तो बजट बाजार में एक बार फिर से आपका स्वागत है और जो नाम हमने रखा है वो भी यही है, अपना टाइम आएगा। ये आम जनता के नजरिए से है क्योंकि अच्छे दिन का वादा क्या पूरा कर पाएगी सरकार मोदी बजट टू में कम से कम, क्योंकि मान लीजिए ये मोदी सरकार के लिए दूसरी पारी जरूर है लेकिन कंटिन्यूएशन में मोदीनॉमिक्स यानी नरेंद्र मोदी की सोच अर्थव्यवस्था को लेकर उनके आगे बढ़ने का रास्ता। हाँ, ये जरूर है कि पहली फुल टाइम महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आपके सामने होंगी, 11 बजे वो बजट पेश करेंगी, राष्ट्रपति से मुलाकात हो चुकी है लेकिन पहला बजट मोदी सरकार टू का बस शुरू होने वाला है जी। और इसी बजट में आगे की तस्वीर क्या होगी सरकार की प्लानिंग की वो साफ हो जाएगी, भले ये बजट अगले 6 महीने के लिए केवल होगा, उसके बाद फिर सरकार अगले आर्थिक वर्ष में प्रवेश कर जाएगी और फिर नए सिरे से बजट का दस्तावेज होगा, लेकिन इन 6 महीने में क्या सरकार संकेत देना चाहती है, जो पिछले 5 साल में योजनाएं रही उनकी हालत क्या रही, सरकार अपना उसका आज ऑडिट भी देश के सामने रखेगी, उससे सरकार ने क्या हासिल किया और आने वाले समय के लिए सरकार की तैयारी कैसी है, वो सारी चीजें आज इस बजट के जरिए आपको दिखाई पड़ेंगी। सुनील अलग, 120 अंकों की बढ़त, उस पर सबसे पहले मैं आपसे रिएक्शन चाहती हूँ। ये जो बीएसई में हम देख रहे हैं इस वक्त 117 अंकों की वहीं पर फ्लक्चुएट कर रहा है उसकी बढ़त, और एनएससी में भी 32 जी। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि नॉर्मली बजट में आप समझ लीजिए इट इज 75% टैक्टिकल एंड 25% स्ट्रेटेजिक, क्योंकि वो एक साल के लिए प्रेजेंट होता है, ये तो 6 महीने के लिए प्रेजेंट होने वाला है। तो आप अपॉर्चुनिटी मोदी जी के लिए ये है कि एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस बजट में, टैक्स घटा सकते हैं और देख सकते हैं कि उनका रेवेन्यू बढ़ता है कि नहीं, नहीं बढ़ेगा तो वो टैक्स बढ़ा देंगे या फरवरी में। सो ये जितने एक्सपेरिमेंट अपॉर्चुनिटी कभी मिला नहीं है गवर्नमेंट को। दूसरी बात है 303 सीट पहली दफ़ा आई है, देखिए राजीव गांधी के टाइम में आया था एक, उन्होंने 5 साल वेस्ट कर दिया। मोदी जी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट दिस 5 years विद दिस थिंग। राजीव गांधी का नाम लिया तो तहसीन पूनावाला तो बोलेंगे। अरे भाई साहब, सबसे पहले हम इतिहास की थोड़ी जानकारी ले लें कि जो रिफॉर्म्स के प्रोसेस शुरू हुए थे राजीव गांधी ने शुरू किए, कौन बैलगाड़ी पे आ रहा था उसको अपोज करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर, सर मैंने आपके बीच में बोला नहीं। दूसरी और अहम बात यह है, मुझे बहुत घबराहट होती जब मोदी जी एक्सपेरिमेंट करते डीमोनेटाइजेशन जीएसटी जैसे ऐसे देश का वर्ग को बर्बाद कर दिया, और आप मुझे काले धन वालों को घबराहट होनी चाहिए। आपका जो जीएसटी था, आपने एक जीएसटी सरल टैक्स होना था, आपने 6 स्लैब लगाने के बाद 0 स्लैब लगा दिया, गाय पे भी सेस लगा दिया, ये जीएसटी है, ये कौन सा सही जवाब दीजिए। देखिए, मैं समझ सकता हूं उनकी परेशानी और जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे समझ में आता है कि वो थोड़े बेचैन हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज के बजट में दो चीजें बहुत साफ दिखेगी। पहला कि पॉलिसी डायरेक्शन जो पहले इकोनॉमिक सर्वे में भी आया है कि इन्वेस्टमेंट पे फोकस रहेगा, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पर रहेगा, जो मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स के बारे में भी ज़रूर होगा कि अच्छे एसेट्स कुछ मोनेटाइज किए जाएंगे, कुछ राहत दी जाएगी ज़रूर मिडिल क्लास को, जो राहत जो मिडिल क्लास एक्सपेक्ट कर रही है इस तरह के बड़े मैंडेट के बाद, और उसको जो शॉर्टफॉल रहेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करने के बावजूद अगर शॉर्टफॉल रहा तो वो इस मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स से पूरा किया जाएगा। लेकिन ओवरऑल बजट बहुत अच्छा होगा, पॉलिसी डायरेक्शन में ज़रूर दिखेगा कि हमारे इन्वेस्टमेंट लेड इकॉनमी होगी, कंजम्पशन लेड इकॉनमी होगी, लेकिन फोकस जो है जीएसटी में ला रहे कि नहीं, फोकस होगा एक्सपोर्ट पर और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी। डीजल को जीएसटी में ला रहे कि नहीं, देखिए उसके बारे में पहले भी कहा है वित्त मंत्री ने और पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी कि हमारी कोशिश है और वो हो सकता है उस दिशा में काम भी हो, लेकिन इसमें आएगा कि नहीं इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता। रिजल्ट दिखाने का तो दिन है ना नहीं, वो मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन हम उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ये डेफिनेटली। पहले भी उसके बारे में एक कमेंट बॉम्बे से ले लेते हैं, हमारे साथ मुंबई से आ गए मेरे सहयोगी पंकज उपाध्याय, फटाफट शेयर बाजार का हाल वो बता रहे। पंकज बोलिए जल्दी, बजट से पहले। मेरे साथ एक्सपर्ट सिद्धार्थ कुआ वाला है, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं स्टॉक मार्केट आज क्या उम्मीदें लगाए हुए। अच्छी उम्मीदें हम लगाए बैठे हैं, स्पेशली एज एन इन्वेस्टर मुझे उम्मीद है कि एलटीसीजी वे ऑफ या डीडीटी में कुछ रिलैक्सेशन बॉलिश किया जाए या कट किया जाए, बिल्कुल वो उससे मार्केट को अच्छा बूस्टर मिलेगा। अच्छा। स्टेयर मार्केट को स्टेबलाइजेशन और मिलेगा और FII फंड फ्लो इससे बढ़ सकता है। So you were saying what you are saying ki you are really skeptical about certain policies as well and you would want certain changes out there. Bilkul ab dekhna hai, even like rationalization of corporate tax to 25%. There is a ceiling right now. So government again on that front wo kya karte hai dekhna hai, kyunki unemployment ka bhi problem bada hai.
तो दोनों चीज का एक अच्छी तरह से रेजोल्यूशन हो सकता है। ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट अभी कैसा है? मार्केट सेंटीमेंट, मार्केट हैज नॉट रिएक्टेड दैट वेरी सीवियरली, लेकिन वॉलेटिलिटी इंडेक्स जिस हिसाब से कूल डाउन हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये बजट में कुछ अच्छे अनाउंसमेंट आएगी। आपको लगता है पॉपुलर बजट थोड़ा कम करना पड़ेगा, अब थोड़ा सा रियलिस्टिक बनना पड़ेगा? बिल्कुल, बिकॉज ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन दोनों को आपके पास वापस चलेंगे, एंड सोशल फ्रंट। ठीक है, हम वापस चलेंगे। अभी तो मामली बढ़ा थी, हम 114 अंकों की फिलहाल देख रहे हैं बीएसई में, और वहां पर भी उम्मीदें बहुत सारी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें निर्मला सीतारमण, और दो परंपराएं तोड़ी गई हैं, और एनडीए की सरकार को ही श्रेय आता है जो ब्रिटिश परंपरा एक बार पहले थी कि शाम के 5 बजे बजट पेश किया जाता था, उसको 2001 में तोड़ा गया जब वाजपेयी की सरकार थी, और वाजपेयी जी की सरकार थी और साथ ही यशवंत सिन्हा उस वक्त वित्त मंत्री थे। दूसरा, ये जो बैग आप देखते थे वो परंपरा तोड़ दी गई है इस साल, और ये आप मखमली कपड़े में लपटा हुआ बजट को देख रहे हैं इस वक्त। आपको बता दें निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे, इससे पहले राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात खत्म हो गई है, कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। परंपराएं सारी ऐसी ही तोड़ी जाएंगी जो कि केवल जिनको आप ये कह सकते हैं कि दिखावे की परंपराएं होती हैं, या फिर अंशुमन जी परंपराएं, वो भी तोड़ी जाने का समय आ चुका है। सरकार के सामने आपके हिसाब से कम इससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थिति नहीं रही होगी? इससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थिति नहीं है, इससे बड़ा बहुमत नहीं है। अगर आपको कोई बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं, सुधार करने हैं, तो उसके लिए इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है? क्यों सरकार 153,000 करोड़ रुपए के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे बैठी हुई है? क्यों सरकार का 50% घाटा केवल 5 PSU के पास है? इन्हें क्यों नहीं बेचना चाहती? बीएसएनएल की हालत देख लीजिए, बीएसएनएल, एयर इंडिया, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ MTNL, ये कंपनियां, इनको क्यों नहीं सरकार बेचना चाहती? हाँ। पिछले 5 साल में नीति आयोग ने सरकार से कहा कि छोड़िए डिसइन्वेस्टमेंट, जो बंद पड़ी कंपनियां उनको बंद कर दीजिए, उसमें से 2 कंपनियां बंद हुई। अगर बेच देंगे तो तब भी तो ये सवाल उठेगा ना सर, ये तो असल में निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देना चाहते थे, इसलिए बर्बाद कर दिया। ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये नहीं कि कोई गवर्नमेंट कंपनी आके खरीद ले फिर आप तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज को अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो ऑल ये जो कंपनियां हैं वही आके खरीदें। आप LIC वाले ले लेते हैं या वो तो गवर्नमेंट, सारे गवर्नमेंट अपने आप करते रहते हैं। और अगर एयर इंडिया को बेचना है, तो आप तो अभी तक डायरेक्टर हैं ना सर, तो मैं तो पूछने वाला हूँ आपको कि भाई एयर इंडिया को अगर बेचना है तो जो भी चाहिए आप एक बार राइट ऑफ करके कोई प्राइवेट पार्टी को बेच दीजिए, योर ब्लीडिंग विल स्टॉप। अक्टूबर के बाद एयर इंडिया के पास तनखा बांटने का पैसा नहीं होगा, जैसे BSNL के पास अभी पैसा नहीं है। एयर इंडिया के बारे में जो कहना, 2 सेकंड बोलना चाहता हूँ, 10 सेकंड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट होना, और सरकार बहुत इसके बारे में जिम्मेदारी से आगे बढ़ रही है। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो स्ट्रक्चर लोगों के इन्वेस्टर्स के दिमाग में है, जो उनके एक्सपेक्टेशन है, सरकार उस पर काम कर रही है, और मुझे लगता है कि इस बार जब हमारे इनिशिएटिव शुरू, जो होल ऑलरेडी शुरू हो गई है, जब हम मार्केट के पास जाएंगे, जो ग्लोबल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट जरूर करेंगे, और इस बार डिसइन्वेस्टमेंट एयर इंडिया का जरूर हो जाएगा। मेरा इसमें यह मानना है कि जो बात अभी अंशुमन ने कही है कि भाई मोदी जी के पास एक बहुत बड़ा मैंडेट है, और अगर वो डिमोनेटाइजेशन करने के बाद भी उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत सकते हैं तो देश हित में कड़े से कड़े फैसला करना चाहिए। ठीक है, चलिए, देश हित में जब ये कड़े से कड़े फैसले लिए जाएं तो फिर उसकी कितनी आलोचना आशुतोष जी करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। नेहा बाथम हमारी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है सीधे CII से, मिलन हमारी सहयोगी इस वक्त किसानों के साथ है। सबसे पहले नेहा आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि जब इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया तो चीन के डेंग शियाओपिंग को कोट किया उस इकोनॉमिक सर्वे में, और कहा गया कि नदी पार करना है तो कंकड़ का ख्याल रखिए। अब ये देन जो है, इन्होंने पूरी तरह से चीन की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए कड़े फैसले लिए थे, कहा करते थे सफेद बिल्ली है या काली मत देखो, चूहा पकड़ सकती है या नहीं वो देखो। आप जहां पर मौजूद है बहुत महत्वपूर्ण जगह है, इनकी लॉबी बड़ी ताकतवर है। हर साल बजट के दिन इकट्ठा होते हैं, और इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है वो बेहद अहम है, क्योंकि उसमें 7% का ग्रोथ रेट वो लक्ष्य रखा गया है। अब उस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाएगा ये सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। क्या रोड मैप होगी, क्या होगी दशा, क्या होगी दिशा, ये तय करना अब सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वक्त 45 साल के सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देख रही है सरकार, और सीधे तौर पर बजट से कभी भी आप अनएम्प्लॉयमेंट या फिर रोजगार
का इशू एड्रेस नहीं कर सकते हैं। आपके लिए एक चुनौती है कि किस तरह से आप रोजगार को बढ़ाते हैं, आप किस तरह से इंडस्ट्री को इम्पीटस देते हैं, यानी कि इंडस्ट्री को कुछ ऐसे टैक्स बेनिफिट्स ताकि रोजगार बढ़ सके इस देश में। साथ ही आपको ये भी सुनिश्चित करना होता है कि कैसे आप बचत और खपत दोनों जो इस वक्त कम हो रही है वो कैसे बढ़ाएंगे, किस तरह से आप लोगों के हाथ में रुपया बढ़ाएंगे, क्या आपका जो टैक्स जो दायरा है, जो एग्जेम्पशन का दायरा है, उसको आप बढ़ाकर लोगों के हाथ में पैसा बढ़ाते हैं, तब आपकी बचत बढ़ सकती है, तब आपकी खपत भी बढ़ सकती है। यानी कि जो इस टाइम पर ऑल टाइम लो जो आप देख रहे हैं पूरी की पूरी इकॉनमी में, चाहे वो इंडस्ट्री इम्पीटस इंडस्ट्री ग्रोथ की बात हो, चाहे वो आप ये कहें कि जितने भी रोजगार से जुड़े हुए एमएसएमईज हैं या फिर इंडस्ट्रीज हैं उनको बूस्ट और उनको इम्पीटस किस तरह से सरकार देती है, ये बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि इस बार जो सरकार अपना बजट पेश करती है उसमें कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूती देती हैं, यानी कि आप अपने रोड्स, आप अपने ब्रिजेस, आप अपनी तमाम वो चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में योगदान देती हैं उसमें कितना पैसा डालते हैं और वो पैसा कहाँ से आएगा, ये सरकार को देखना होगा। क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा सरकार के पास चुनौती है कि वो अपने फिजिकल डेफिसिट को कैसे कम करती है, अपने एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाती है, अपने इम्पोर्ट्स को कैसे कम करती है, इम्पोर्ट्स की जो कॉस्ट है उसको कैसे कम करती है, उसको फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। यानी कि आपका फिजिकल डेफिसिट भी आपके लिए एक बड़ी चुनौती है, आपका जो एक्सपेंडिचर इनकम प्लान है वो भी आपके लिए एक बड़ी चुनौती है, और साथ ही आपके लिए बड़ी चुनौती है कि किस तरह से आप अपने लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा से ज्यादा देते हैं ताकि एक तरफ वो ये पैसा अपने पीएफ अपने पीपीएफ में डाल सके जिससे इकोनॉमी रन करती है, यानी कि इन्हीं सब चीजों से पैसा आता है मार्केट में। तो ये सब सरकार को देखना होगा कि इस बार के बजट में कैसे वो ये सब प्रावधान करती है, क्योंकि बड़े मैंडेट से इन्हीं आम जनता ने इन्हीं आम लोगों ने सरकार को जिताया है, इस स्तर पर पहुंचाया है कि वो इस तरह के बड़े फैसले ले ताकि जो मैंडेट उन्हें इस जनता ने दिया है उस पर वो खरी उतर सके। और क्योंकि ये चार महीने में दूसरा बजट है इंटरिम बजट के बाद, अब पूर्ण बजट आज निर्मला सीतारमण पेश करेंगी लगभग 11 बजे, सबकी निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर। बिल्कुल, और देखिए सीआईआई में आप मौजूद हैं, कहा जाता है बिजनेस टाइकून सब एक एक करके अब थोड़ी देर के बाद आने लगेंगे आपके पास, और खास तौर से वो इंतजार करते हैं कि बजट से पहले ज्यादा ना बोले, बजट जैसे ही पेश हो उसके बाद वो सभी रिएक्शंस के लिए पहुंचेंगे आपके पास आएंगे। नेहा, एक बार जरा किसानों के बीच चलते हैं, क्योंकि पीछे की हरियाली क्या वाकई उनकी जिंदगी की हरियाली को दर्शाती है, ये एक सवाल है जो इंडिया और भारत के बीच हमेशा खड़ा रहता है। मिलन के पास चलते हैं, आपके पास इस वक्त कई किसान हैं, उनकी क्या उम्मीद है? ये राष्ट्रपति के साथ भी तस्वीरें आ गई हैं निर्मला सीतारमण की, ये भी हम आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। सीधा सीधा किसानों का ये कहना है कि यहाँ पर जो पॉपुलर गवर्नमेंट जो इलेक्ट हुई है वो ये जो भारत देश है कृषि प्रधान देश है, और किस तरीके से एक्सपेक्टेशंस हैं इस वक्त किसानों के, हमसे बात करेंगे अभीक साहब। सर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? कहा जाता है कि किसानों पर बहुत ज़्यादा फोकस है, जन आंदोलन हुए हैं, बहुत सारे किसान आंदोलन हुए हैं, तो इस बारी भी आपकी बजट से क्या अपेक्षाएं? कई नई घोषणा हमें नहीं चाहिए, पुरानी घोषणा जो पिछले 5 सालों में हुई है वो जमीन पर उतार लाए, अभी तो वो कागज़ में है। प्रधानमंत्री का सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री का फसल बीमा योजना, पीएम आशा, पीएम किसान, ये सब का तथ्य हमें चाहिए और इसकी रूपांतर हमें चाहिए। किसान का इतना ही उम्मीद है, किसान भर भर के मोदी जी को जिताए हैं इस उम्मीद में कि पुरानी आश्वासन को वो पूरा करेंगे, इसी की उम्मीद हम करते हैं इस बजट से। इस बार उनको जो पैसा राशि उनको देना है किसानों के लिए ये सब योजना के लिए वो खर्चा करें, और जैसे उनका डिजिटल इंडिया का दावा है जिसको हम मानते हैं, उसमें इस इम्प्लीमेंटेशन को बड़े निगरानी से उसके ऊपर वो काम करें। आप पूरी तरह सरकार को समर्थन दे रहे हैं, जिस तरीके से पीएम किसान योजना है, फसल बीमा योजना है, इन सारी योजनाओं में काफ़ी कमियां भी पाई गई हैं काफ़ी रिपोर्ट्स को लेकर, तो आप चाहते हैं कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो जाए इस बजट अनाउंसमेंट के बाद? देखिए, हर स्कीम का कुछ ना कुछ कमी रहता है, सबको खुश कर देगा, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा ऐसा स्कीम तो होता नहीं है, तो जितना उन्होंने घोषणा किया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो और उसकी जो डिटेल्स है, तथ्य है, वो पब्लिसाइज हो। जैसे कोई स्कीम लागू करने के पहले वो सुझाव लेते हैं ना लोगों से,
वो स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन के समय भी उनकी डेटा यदि सबके सामने आ जाए तो हम उसका सुझाव दे सकते हैं कैसे उसको करेक्ट किया जा सकता है। तो ओवरऑल एक डेटा का जो कमी है और अभी तक का जो मैं कहूँगा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, इस बार वो सब पूरा हो जाए, ये बजट से उम्मीद है। अंजना, सीधा सीधा आप देख रहे हैं काफी पॉजिटिव आउटलुक दिखाया जा रहा है किसानों के तरीके से, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारी बहुमत के साथ उन्होंने सरकार को जिताया है, उनकी एक्सपेक्टेशंस यही है कि जो स्कीम्स अनाउंस हुई हैं वो जल्द से जल्द